वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण और फिर से आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूं। आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको क्लिक करें, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी भी अपडेट कोई भी वीडियो मैं डालूं तो उसका अपडेट आपसे मिस ना हो सके। और हाँ दोस्तों, मेरा दो और चैनल है, किरण शंकर और सारे ड्रेप्स विद किरण। ये दो चैनल है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, एक बार आप जरूर विजिट करो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किरण शंकर चैनल पे स्पेशली मैं मेकअप के वीडियो ट्यूटोरियल्स डालती हूँ, ब्यूटी टिप्स डालती हूँ, हेयर स्टाइल्स के वीडियो, DIY और प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करती हूँ। और सारी ड्रेप्स विद किरण में उसमें मैं सारी ड्रेपिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्टाइल्स के, नए नए स्टाइल्स के सारी ड्रेपिंग की वीडियोस डालती हूँ। तो जरूर एक बार चैनल विजिट करें, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो आज के इस चैनल पे आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ कोहरा और उड़द की दाल की बड़ी की बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। कोहरा को बहुत सारे लोग जो है कदीमा बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं, पीठा बोलते हैं, तो आप जो भी बोलते हैं, आज मैं आपको मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ के स्टाइल में बताने जा रही हूँ कोहरा और बड़ी की, उड़द की दाल की बड़ी की बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कोहरा, लगभग हाफ के जी से पौन के जी के आसपास कोहरा था, उसको मैंने काफी अच्छे से उसका छिलका निकाल करके अच्छे से कट कर लिया हुआ, इस तरह से आप देख सकते हैं, आप इस तरह से कट कर सकते हैं। उसके बाद ये है उड़द दाल की बड़ी, जो कि आपको रेडीमेड मिल भी जाएगा या आप चाहे तो घर पे भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके पहले भी मैंने उड़द दाल की जो है एक रेसिपी डाली है, अभी लेटेस्ट डाली, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इस तरह से होता है, अभी मैंने इसको तोड़ करके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ले लिया है, तो आप ही इस तरह से ले सकते हैं या फिर आप पूरा साबुत ही ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ले रहे हैं हम गुड़। गुड़ आप देख सकते हैं लगभग कितना होगा, ये 100 ग्राम आप मान सकते हैं, 100 से 150 ग्राम के आसपास ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना है। गुड़ की जगह आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका यहाँ पे तड़का मेन जरूरी होता है, तड़का जो है उसके वजह से भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने लिया है मेथी दाना, लगभग आधा से पौन चम्मच मेथी दाना ले ले, और फिर 2 लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता। तो शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है और लगभग ये 5 से 6 चम्मच लिया है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे लगाएंगे तड़का, जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो तड़का में हमने जो जो लिया है वो डाल देते हैं। तो सबसे पहले डाल दिया है मेथी दाना, और मेथी दाना जैसे हल्का चटक जाएगा उसमें डालेंगे लाल मिर्च साबुत, उसको थोड़ा सा तोड़ करके डाल दिया है, और फिर 1 तेज पत्ता लिया उसको डाल देते हैं जैसे हमारा तड़का पक जाएगा। फिर सबसे पहले हमने जो बड़ी ली थी इसको अच्छे से तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं, और इसको सबसे पहले हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि बड़ी को बिल्कुल भी काला नहीं करना है, नहीं तो स्वाद बहुत ही ज्यादा कड़वा हो जाएगा। तो हल्का लाल जो होता है, लाल गोल्डन ब्राउन जिसको बोलते हैं, उतना तक भूनना है हमें। तो आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन। तो आप चाहते हैं अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, तो 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, और डाल करके लगभग थोड़ी देर इसको 20 सेकंड के लिए भूने। और फिर हम डालेंगे यहाँ पे हमारे मसाले। मसाले में हमने हल्दी पाउडर लिया है थोड़ा सा कम, बिल्कुल आधा से थोड़ा कम, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 कश्मीरी वाली लाल मिर्च, 1 तीखी वाली है, थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा पाउडर, बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर लगभग 1 चम्मच, और इन सभी को डाल के अच्छे से हम भून लेंगे। ज्यादा नहीं भूनना है, 10 से 15 सेकंड भूने, और उसके बाद हमने कटा हुआ जो कोहरा रखा हुआ है, कदीमा इसको बहुत लोग बोलते हैं, पीठा बोलते हैं, वो डाल देते हैं, और डाल करके यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा थोड़ा सा कढ़ाई छोटा पड़ गया है तो चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो कोई बात नहीं, गल करके ये बहुत ही कम हो जाएगा। तो जितना कोहरा था वो हम सब डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा कढ़ाई फुल हो चुका है। तो यहाँ पे हम डालेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच के आसपास नमक, स्वाद के हिसाब से नमक रखें। और फिर हमने जो गुड़ लिया था, गुड़ को काफी अच्छे से काट करके छोटे छोटे पीसेस में, या फिर इसको अच्छे से क्रश करके डाल दे, और फिर बहुत ही अच्छे से इसको चला ले। कढ़ाई थोड़ा बड़ा होगा तो चलाने में सही होगा, मुझे लगा था कि हो जाएगा बट हुआ नहीं, बट मैं धीरे धीरे इसको अच्छे से चला ले रही हूँ, हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये पानी निकलेगा इससे तो ये कम पड़ जाएगा।
बहुत ही टेस्टी बनता है इसका सब्जी दोस्तों, आप जरूर ट्राई करें इस स्टाइल में। अगर आपने आज तक कोहरा की सब्जी नहीं बनाई है तो बस कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से ढक देना है। ढक्कन थोड़ा सा अच्छे से बंद करके रखें जिससे कि बहुत ही कम फ्लेम पे इसको पकाएं। जैसे पानी निकलेगा तो अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं क्वांटिटी इसकी बहुत ही ज्यादा कम हो रही है और बहुत ही अच्छे से इसने पानी छोड़ दिया है। तो लगातार इसको इसी तरह से हम चलाते हुए और ढकते हुए करके पकाना है। तो फिर से ढक देते हैं इसको। तो अब देखिए क्वांटिटी दोस्तों बहुत ही कम रह गई है ना। तो कोहरा ऑलरेडी पानी छोड़ता है तो उसके पानी से ही हमारा जो बड़ी है वो पक जाएगा, बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। तो बहुत ही अच्छे से कोहरा पक चुका है तो इसको हम ये जो कलछी हम लिए हैं, छलनी जिसको बोलते हैं, उससे हम इस तरह से मैश करते हुए पकाएंगे चलाएंगे। क्योंकि साबुत साबुत कोहरा बहुत सारे लोग नहीं पसंद आता है तो हम लोग थोड़ा सा इसको मैशी टाइप से बनाते हैं तो सारा मिक्स हो जाता है। इस तरह से चलाते हुए हमें इसको भूनना है जब तक इसका अच्छे से पानी सूख नहीं जाता, थोड़ा ड्राई करके भूनना है। ऑलरेडी बड़ी हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब देखिए बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है, मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं और हमारा कोहरा जो सारा मिक्स हो चुका है। तो सब्जी आज की हमारी रेडी। तो चावल दाल के साथ इसको आराम से खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, एक बार आप जरूर ट्राई करें। हमारे घर में अक्सर बहुत सारे फेस्टिवल में जो है कोहरा की सब्जी बनाते हैं हम, और सेम ऐसे ही बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसको क्लिक करें और आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आपसे मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।